हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके गाइडेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वैकेंसी निकली है बिहार पुलिस कांस्टेबल की तरफ से अंडर सीएसबीसी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। ये ऑनलाइन प्रोसेस है फ्रेंड्स। डिटेल में देख लेते हैं इस पोस्ट के बारे में। ये कांस्टेबल की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 9900। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन। जॉब लोकेशन है बिहार। जॉब कैटेगरी पुलिस जॉब है, ठीक है। अब हम डिटेल में देख लेते हैं। इसकी जो एज लिमिट्स होनी चाहिए ये है मिनिमम 18 ईयर टू मैक्सिमम 25 ईयर है। लेकिन अगर आप बीसी या ईबीसी कैटेगरी में आते हो, मेल कैंडिडेट के लिए 27 तक अप्लाई कर सकते हैं एंड फीमेल के लिए अगर वो बीसी या ईबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 28 तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड एससी एसटी कैटेगरी में 30 ईयर तक की छूट है दोनों मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। 5 ईयर का जैसा नॉर्मली गवर्नमेंट में रिलैक्सेशन मिलता है वैसा ही है। क्वालिफिकेशन इसकी मिनिमम 12th पास होना चाहिए आपका। पे स्केल है 5200 टू 20200। ग्रेड पे होगा 2000। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। 5 स्टेप में होगा। पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, आप उसमें क्वालिफाइड हो जाओगे तो फिजिकल टेस्ट, देन मेडिकल टेस्ट, देन फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एप्लीकेशन फ़ी, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको 450 भरना होगा फ़ी, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपको 112 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। कैसे आपको अप्लाई करना है ये हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो देखिए मैंने बॉक्स मार्क किया है नोटिफिकेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करोगे ये देखिए ये पेज आपके सामने ओपन होगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप डायरेक्ट साइन इन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपको ये जो देखिए रजिस्टर योरसेल्फ लिखा है मार्क किया है मैंने, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे देखिए ये पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें आई अग्री करके लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप आई अग्री पे क्लिक करोगे ये फॉर्म आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। ये देखिए 6 स्टेप है यहाँ पे, ये 6 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो ये 6 स्टेप्स कैसे फिलअप करने हैं इन डिटेल हम अभी देखते हैं। देखिए पहले तो ये जो सामने आपके फॉर्म है यहाँ पे आपको फिल करना है आपका मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी। देन उसके राइट हैंड साइड में जो भी बॉक्स है सेम आपको रीटाइप करना है, आपका फिर से मोबाइल नंबर, आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम टाइप करना है। ईमेल आईडी सिर्फ एक ही बार टाइप करना है। देन राइट हैंड साइड पे आपको डोमिसाइल आपका चूज़ करना है, आप अदर से हो बिहार से हो वो चूज़ करके। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स दिए हैं, अल्फ़ाबेट दिए हैं, वो आपको टाइप करना है। देन सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आप सेकेंड स्टेप पे चले जाओगे फीस भुगतान के पेज पे, ठीक है। देखिए ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपका डिटेल आ गया है। देन आपका जो फीस रहेगा जैसे 450 मैंने बताया था, लेकिन अभी जैसे जीएसटी लागू हो गया है तो आपको 18% जीएसटी लगेगा, तो आपका टोटल आई थिंक कुछ 510 हो जाएगा। फिर वो आपको फिलअप करना है, यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने डिटेल आ जाएगा, आपका बैंक डिटेल, आपको लाइक कार्ड से फिलअप करना है या फिर बैंक से करना है तो उसका आपको आपका पूरा बैंक डिटेल आपको वहाँ पे देना होगा, वो करके आपको सबमिट करना होगा। जैसे आप उस पर करोगे देन आप थर्ड स्टेप पे चले जाओगे एप्लीकेशन फॉर्म 1 पे। यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल है वो आपको भरने होंगे, जैसे कि डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, तो आप बीसी या ईबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपको येस पे क्लिक करना है, और अगर नहीं आते तो नो पे क्लिक करना है। आपका जेंडर क्या होगा, मेल फीमेल, उस पर क्लिक करना है। देन इज गुरका ऑफ इंडियन ओरिजिन, आप इसके अंडर आते हो तो येस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो। लेकिन अगर आप ईबीसी या बीसी एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो आप ये कैटेगरी में नहीं आओगे तो आपको नो पे ही क्लिक करना है। डू यू बिलोंग टू होम गार्ड, जो आपका रहेगा उस पर क्लिक करना है। डू यू बिलोंग टू ग्रैंड चाइल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, मीन्स आपके ग्रैंड फादर है वो अगर फ्रीडम फाइटर थे तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, और जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो एक बार आप फिर से चेक कर लीजिएगा कि आपने जो भी डिटेल्स भरे हैं वो सब प्रॉपर है कि नहीं, बिकॉज आप फिर से एडिट नहीं कर सकते हो। देन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन आप पार्ट 2 पे चले जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे।
यहाँ पे देखिए, अगर आपने फ्रीडम फाइटर के आप पोता पोती हो तो आपको ये सारी डिटेल आपको फिलअप करनी होगी, जैसे कि फ्रीडम फाइटर पेंशन नंबर जो आपको दिया रहेगा वो क्लिक करना रहेगा, वो भरना रहेगा। सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका वो आपको फिलअप करना है। सर्टिफिकेट नंबर ऑफ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे, ये डेट्स होंगे, तो आप सब वो फिलअप कर लें। अगर नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली नो पे लिख के आएगा आपके सामने, ठीक है। देन होम गार्ड रेजिमेंटल नंबर एंड कंप्लीशन डेट ऑफ होम गार्ड ट्रेनिंग, ये सबको भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपके जो 10th के सर्टिफिकेट में रहेगा उसके हिसाब से आपको भरना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो हाईएस्ट रहेगी वो भरना है, लाइक आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो वो आपको फिलअप करना है। फादर नेम मदर नेम फिलअप करना है। देन फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट मीन्स आप पहला प्रेफरेंस किसको देते हो, बिहार डिस्ट्रिक्ट पुलिस को देते हो या बिहार मिलिट्री पुलिस को या फिर अदर यूनिट को, वो आपको सिलेक्ट करना है। देन सेकंड प्रेफरेंस किसको देते हो वो सिलेक्ट करना है। देन थर्ड प्रेफरेंस किसको देते हो वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके हिसाब से आपका प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्शन होगा। देन आपका परमानेंट एड्रेस आपको भरना है, फुल नेम, फ्लैट नंबर एंड आपका जो विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, करंट एड्रेस, सब फिलअप आपको करना है। टाइप ऑफ फोटो आईडी, नंबर ऑफ फोटो आईडी, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा जो आपने किया रहेगा, ठीक है। देन आपको एक बॉक्स रहेगा उस पर टिक करना है कि आप अग्री करते हो कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो करेक्ट है, तो उस पर टिक करने के बाद आपको सबमिट पे बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट टू भी कंप्लीट हो जाएगा। देन आप फाइनली सबमिट कर सकते हो, फिर आप दूसरे लेवल पे आप चले जाओगे। दूसरे लेवल पे आप जाओगे तो ये प्रिंट आउट प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म का है, तो इसमें प्रिंट का ऑप्शन रहेगा। जैसे आप प्रिंट के उस पर क्लिक करोगे, टैप करोगे, तो आपका फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। तो आपके पास आपका फॉर्म आ गया, मीन्स अभी तक आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन भरी वो सब उसमें फीड हो गई है, अब वो सब उसमें फिलअप होके आ जाएगी। देन लास्ट प्रोसेस है, लास्ट स्टेप है, जिसमें आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है आपका। तो देखिए यहाँ पे फोटो के लिए यहाँ पे दिया है, वो लोग ने स्पेसिफिकेशन दिया है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, रिसेंट 1 मंथ का ही फोटोग्राफ होना चाहिए आपका, और क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई आपने स्पेक्स वगैरह नहीं लगाया हो, क्लियरिटी होनी चाहिए, तो वो आपको उसमें चिपकानी है फॉर्म में। देन आपको आपका सिग्नेचर करना है, देन आपको आपका सिग्नेचर करना होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो बॉक्स दिया उसमें आप इंग्लिश में सिग्नेचर कर सकते हो, और जो राइट हैंड साइड पे बॉक्स दिया उसमें हिंदी में कर सकते हो। एक बात का ध्यान देना है, जब आप सिग्नेचर करोगे आपको ब्लैक इंक से ही करना है, ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर करना है, ठीक है। ये जब दोनों चीज़ें हो जाएगी, फोटो और सिग्नेचर का, देन उसके बाद में आपको आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको स्कैन करना है और अपलोड करना है। उसे आपको अपलोड करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है, चूज़ फाइल करना है और सबमिट करना है। ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया फ्रेंड्स, आपका फॉर्म फिलअप करने का और सबमिट करने का, ठीक है। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो फिर से वेबसाइट पे जाके साइन इन कर सकते हो, और आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा और जो पासवर्ड रहेगा उस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो, ये अगर आपको एडिट करना है तो। और एडिट करने का डेट है 31 अगस्त तक ही है, लेकिन उसका लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का 30 अगस्त 2017 तक है। देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 30 अगस्त तक आप भर सकते हो ये ऑनलाइन फॉर्म, और इसका वेबसाइट लिंक दिया हुआ है, नोटिफिकेशन लिंक और एडवर्टाइजमेंट लिंक भी दिया हुआ है। मैं आप चाहूँगी कि आप इस लिंक पे जाइए और उसे डिटेल में पढ़िए, क्योंकि उसमें उसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन, सारी डिटेल दी गई है जॉब की, तो आप उसे डिटेल में खुद पढ़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन उसके बाद में फॉर्म फिलअप कीजिए। आई थिंक मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर किया है, सब डिटेल में समझाया है कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है और सबमिट करना है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। आई थिंक बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकली है, तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है सो प्लीज़ अप्लाई कीजिए पोस्ट के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, ऑल द